तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पितरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। शांति शांति शांति। आइए मेरे सबको प्रणाम। आज के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ सभी मिलकर के भगवान को प्रणाम कीजिए, जिनका हम अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, सांस लेते हैं हवा, सभी तो उन्हीं का है। प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओ शांति शांति शांति। जय गोपाल। आज के सत्संग में विशेष करके श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीन गुणों की विशेषता बतलाई है। ये तीन गुण जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नाम से जाने गए हैं, इन्हें और इनके प्रभाव को पूरी तरह से खुलासा किया है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, ये भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता की 18वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है। पहला ही श्लोक है, सन्यासस्य महाबाहो
तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनीसूदना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दो नामों से इस श्लोक में संबोधित किया है। पहले कहा है ऋषिकेश, जो मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, सभी संसार की इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, जो सभी तमाम ब्रह्मांडों के कंट्रोलर हैं, उनको ऋषिकेश कह के संबोधित किया है। और दूसरा नाम यहाँ पर पुकारा है अर्जुन ने, केशनी सूदना, केशी असूदना, केशी निसूदना, केशी निसूदना। निसूदना मानी उद्धार करने वाले, केशी नाम के असुर का उद्धार भगवान ने किया था। इसलिए अर्जुन ने यहाँ ऐसे संबोधित नहीं किया कि केशी राक्षस को मारने वाले, नहीं, निसूदना यानी उद्धार करने वाले, केशी राक्षस के उद्धार करने वाले, मेरा भी उद्धार कीजिए। अतः मुझे समझाइए सन्यास और त्याग के विषय में, मैं जानना चाहता हूं, इन्हें अलग अलग करके मुझे समझाइए। हे केशनीसुदन, हे ऋषिकेश, हे माधव, हे गोविंद, सन्यासस्य महाबाहो, महाबाहो भी भगवान को कहा है, लंबी भुजाओं वाले, भगवान से बड़ी भुजाएं किसकी होंगी आखिर, भगवान की जितनी लंबी भुजाएं शायद किसी की ना हो, क्योंकि तमाम अनंत में उनकी भुजाएं फैली हुई हैं। तभी तो विराट स्वरूप में अर्जुन को दिखलाया और पूछा कि अर्जुन जरा मेरी भुजाओं को गिनना कितनी है, मेरे पेटों को गिनना, मेरी नेत्रों को गिनना, मेरे मुखों को गिनना। अर्जुन कहता कैसे गिनूं, इनका तो प्रारंभ मुझे और अंत कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां से प्रारंभ हो रही है और कहां अंत हो रहा है, फिर गिनूं कैसे। ये यूनिवर्सल फॉर्म भगवान ने अर्जुन को दिखलाया, विराट स्वरूप। सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, इस तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है हे महाबाहो, ये सन्यास क्या है। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनीसूदना, और ये त्याग क्या है हे ऋषिकेश, हे केशी निसूदन, केशी राक्षस के उद्धारक, ये त्याग क्या है और संन्यास क्या है, इन दोनों को अलग अलग पृथक पृथक रूप से मुझे समझाइए। यहां से 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ अर्जुन के प्रश्न से, और भगवान ने जान लिया कि अर्जुन को एक बात बतलाऊंगा तो ये दूसरा प्रश्न फिर उठाएगा, तीसरा फिर उठाएगा, इसलिए इसके पूरे भ्रम निवारण मैं कर देता हूँ, पूरा ही ज्ञान इसकी झोली में मैं उड़ेल देता हूँ। तो भगवान ने त्याग और संन्यास के बारे में कहा, इन त्याग और संन्यास में भी रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के भेद बतलाए, यज्ञ दान तप के विषय में कहा, और ये भी कहा कि इनको त्यागना नहीं चाहिए, यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म नैत्याज्यम कार्यम एव तत्, इनको कार्य अपना ड्यूटी अपना धर्म समझ के करते रहना चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म नैत्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणाम, ये बड़े बड़े महाजनों को भी, मनीषी जो महापुरुषों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, उनको भी, उन महापुरुषों को भी, महाजनों को भी, जनक ऋषि जैसे, हनुमान जैसे, विभीषण जैसे, वेदव्यास, सुखदेव गोस्वामी जैसे, ब्रह्मा जी और शिव शंभु कैलाशपति जैसे 10 महाजनों का विशेष वर्णन किया शास्त्रों में। सुखदेव
स्वयंभू शंभू सनकादिक इत्यादि 10 नारद विभीषण इनको भी यज्ञ दान और तप ये नहीं त्यागना चाहिए। क्या होगा? यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। इनको तो अपना अपनी ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के, अपना धर्म समझ के करना चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये तो बड़े बड़े मनीषियों को भी ये अर्जुन पवित्र करते हैं, भावना को पवित्र करते हैं। भावना पवित्र होने का ही तो सारा गेम है। जिसकी भावना पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, वही तो भगवान को प्राप्त करता है, वही आनंद को प्राप्त करता है, वही परमानंद को प्राप्त करता है। गंदी भावना वाला कैसे करेगा? तो भगवान ने यज्ञ दान तप के बारे में बतलाया और कहा कि इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, यज्ञ दान और तप। कोई अपनी कमाई को पूर्ण रूप से दान नहीं करता, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहती है कि ग्रंथ श्रीमद् भागवत में कहा है कि अपनी कमाई का 25% दान कर देना चाहिए। और मैंने देखा है यहाँ अमेरिका में कि चर्चों में जो अच्छे लोग हैं अपनी इनकम का 25% चर्च को दान करते हैं। वो जानते हैं कि दान परमात्मा की सेवा में जाता है, सारे विश्व में दवाइयों के काम आता है, गरीबों के इलाज के काम आता है, गरीबों की को वस्त्र देने के काम आता है, उनके कच्चे पक्के मकानों को ठीक कराने के लिए उनको काम आता है। ये सब भगवान की सेवा है, भगवान के विराट स्वरूप की सेवा है, स्वयं भगवान की सेवा है। भगवान तो सभी जगह है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। वो ईश्वर तो सब प्राणी मात्र के हृदय में बैठे, वृक्ष में भी, लताओं में भी, चिड़ियों में भी, मछलियों में भी, सिंहों में भी और हिरणों में भी, नरों में भी, बानरों में भी, देवों में भी, किन्नरों में भी, गंधर्वों में भी, कहां नहीं है, वो सर्वत्र है। हरी हमारे हमेश हरदम हरेक सह में झलक रहे हैं, जो उनको गुलशन में देखा हरेक गुल में महक रहे हैं। प्रत्येक फूल में उन्हीं की खुशबू है उनका है। इसलिए हम जब दान करते हैं हमारी यथाशक्ति, ज्यादा नहीं कर सके तो 100 रुपये में से 1 रुपया दान कर सकते हैं, करना चाहिए। कंजूस मन के नहीं बैठना चाहिए, उससे हमारा दिल दिमाग और धन सड़ता है, बदबू आने लगती है। इसलिए थोड़ा दान करना चाहिए, चाहे चिड़ियों को चुग्गा डाल रहे हों, या कुत्तों को रोटी डाल रहे हों, या भूखों को भोजन करा रहे हों, जो महात्माओं को आमंत्रित किया हो भोजन के लिए, या कोई मंदिर बनते हुए मंदिरों में दान दिया हो, या कहीं चर्च गुरुद्वारे मस्जिदों में, या किसी गरीबों की सेवा में, किसी पीड़ितों की सेवा में, किन्हीं बीमारों के लिए कहीं आपने कुछ अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल के सेवा की हो, ये समझते हुए कि इन सबके अंदर परमात्मा विराजे हुए हैं। जब इन सबके अंदर परमात्मा विराजे हैं तो ये शरीर परमात्मा के हुए या आपके हमारे या जानवरों के या वृक्षों के, जिन जानवरों में, जिन वृक्षों में, जिन मनुष्यों में, पानरों में परमात्मा विराजमान है, जिन देवों में, किन्नरों में, गंधर्वों में, तो उनके शरीर परमात्मा के हुए या नहीं? जहां परमात्मा बैठा है वहां तो ये परमात्मा का ही शरीर हुआ। तो इस शरीर को भी संभाल के रखना, इससे कनेक्टेड सारे परिवार को, रिश्तेदारों को भी। लेकिन विश्व है परिवार एक, पूरा विश्व तो एक ही परिवार है, एक के ही बच्चे हैं हम सब। दान करते रहना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए, हवन इत्यादि खिलाना पिलाना लोगों को,
जरूरतमंदों को लुटाना, अपने पास ज्यादा है तो यज्ञ करना चाहिए, लुटाना चाहिए, तप करना चाहिए। वाणी का तप है, शरीर का तप है, मन का तप है। मन है प्रसाद है सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। ये मन का तप है। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शोचम आर्यवम चयत ब्रह्मचर्यम अहिंसा चय तपो शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप है, वाण में तप है, वाणी का तप है। तो ये वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चय स्वाध्याय अभ्यसनम चय वाङ्मयम् तप उच्यते। तो ये तप करते रहना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए। फिर भगवान ने आगे कर्म और कर्म का फल भी कहा कि त्यागियों को या सन्यासियों को, सन्यासियों को कभी भी कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन वाणी मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वाणी और शरीर सभी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जो कर्म भगवान की सेवा में किए जाते हैं उनका रिएक्शन नहीं आता, उस एक्शन का रिएक्शन नहीं आता। तो हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसका कड़ा मीठा फल नहीं आता, वो कर्म अकर्म जिसको कहा है, निष्काम कर्म तो भगवान से मिलाता है, वो तो परम फल का दाता है, संसारिक ये क्षणिक सुख और क्षणिक दुखों का नहीं, वो परमानंद का दाता है जो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं। फिर भगवान ने ज्ञान गे परिज्ञाता के विषय में वार्तालाप किया अर्जुन से, करणम कर्म और कर्तेति करने वाले के विषय में कहा। तो ये ज्ञान कर्म करता ये भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होते हैं। तो आइए इसी विषय में आपको हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं बातों पर, इन भगवान की वाणी को कुछ सुलझा के बोलते हैं आपको। सुलझा के का सुलझाने का मतलब है कि संस्कृत के श्लोक हैं बड़े, सभी तो संस्कृत नहीं जान पाते हैं, जिन जिन्होंने स्टडी की है और जो गुरु के चरणों में बैठे हैं उनको कुछ इनका बोध हुआ है, तो मुझको जितना कुछ प्राप्त हुआ है मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा है, ज्ञानम कर्म कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावा श्रृणु तान्यपि। ज्ञानम इन ज्ञान, कर्म और कर्ता, कर्म को करने वाला, ये इन इनके साथ में तीनों गुण लग जाते हैं, क्यों ज्ञान भी तीन गुणों में होता है, किसी के पास सत्वगुणी ज्ञान होता है, किसी के पास रजोगुणी ज्ञान होता है, और किसी के बाद पास तमोगुणी ज्ञान होता है। ऐसी कर्म है, कोई सत्वगुणी कर्म करते हैं, कोई रजोगुणी कर्म करते हैं, कोई तमोगुणी कर्म करते हैं। तो इन कर्मों के अनुसार ही और ज्ञान के अनुसार ही कर्ता का चुनाव हो जाता है। तो किसी कर्ता को चुना जाता है कि सत्वगुणी करता है, किसी को चुना जाता है कि रजोगुणी करता है, किसी को चुना जाता है कि तमोगुणी करता है। इस विषय में भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम कर्म ज्ञानम कर्मम कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावश्रोतान्यपि। तो ये जैसा जैसे होते हैं ज्ञान कर्म और कर्ता, यथा वैसा ही एज इट इज एज दे आर, मुझसे सुनो अर्जुन, श्रोतान्यपि उनको सुनिए। सर्वभूतेषु एनैकं भावं अव्ययं ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो आइए पहले हम ये गुणों को सुन ले, गुण क्या है।
तीन गुणों का विशेष करके वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत हमको बहुत आंख खोलने वाला ज्ञान देता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, अमल पुराण है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार, उन्होंने इसको व्याख्या की है, समझाया है परीक्षित महाराज को संपूर्ण भागवत को। और वेदव्यास जी महाराज भी 24 अवतारों में एक वेदव्यास जी महाराज अवतार हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। और वेदव्यास जी महाराज के गुरु नारद जी, नारद मुनि, ये वेदव्यास जी के गुरु हैं। नारद मुनि भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, उनकी प्रेरणा से ये अमल पुराण श्रीमद् भागवत लिखा गया है। तो इसमें सृष्टि का जहाँ वर्णन आता है, वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सृष्टि जब भगवान परमपिता परमेश्वर मूल प्रकृति को क्षुभित करते हैं, विकार युक्त करते हैं, विकृत करते हैं, तब वो विकार जो प्रकट होता है वो तमोगुण के रूप में प्रकट होता है। वह तमोगुण ही तीन श्रृंखलाओं में, शाखाओं में बढ़ जाता है, उसे ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के नाम से जाना जाता है। और ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तमाम अनंत ब्रह्मांडों में प्रभावी हो जाता है, ग्रह नक्षत्रों पर भी, प्राणियों पर भी, सर्वत्र इसका प्रभाव रहता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, भागवत कहती है जो पिंड में है, पिंड यानी आपका शरीर, जो आपके शरीर के अंदर है वही ये ब्रह्मांड के अंदर है। यानी ये पूरे ब्रह्मांड का मैप, नक्शा आपके शरीर के अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यदि ब्रह्मांड के अंदर तीनों गुण विद्यमान हैं तो क्यों नहीं आपके आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर इस पिंड में होंगे, अवश्य है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण हम सबके शरीर में हैं। जब 24 तत्वों का वर्णन करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में किया है, महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश चेतना धृति। ऐसे विकार के साथ में जब ये पिंड की, क्षेत्र की विवेचना की है, भगवान ने वर्णन किया है, तब ये 24 तत्वों का उल्लेख आया है, जिक्र किया है। तमगुण से पांच तत्व, महातत्व निकलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भगवान कहते हैं महाभूत, पंच महाभूतान, ये महाभूत अहंकार, अहंकार अव्यक्त मूल प्रकृति स्वभाव, बुद्धि, मन, इंद्रियाणि दश एकम च, मन को मिलाकर के 11 इंद्रियां बोला है, दश एकम यानी 11, ऐसे 10 इंद्रियों का वर्णन आता है मन को जब अलग कर देते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि इंद्रियाणि दश एकम च, पंच चेंद्रिय गोचरा, और ये पांचों ज्ञान इंद्रियों की जो तन्मात्राएं हैं इनको भी काउंट किया जाता है, जैसे स्पर्श, त्वचा का, त्वचा नाम की इंद्रिय है हमारी, त्वचा, चमड़ी, इसका, इसकी तन्मात्रा है स्पर्श, हमारी आंखों की तन्मात्रा है रूप, रसना का रस, गंध नासिका का गंध, कानों का विषय है शब्द, ये तन्मात्राएं हैं। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चैन्द्रिय गोचरा। यहाँ पर 24 तत्व हो गए, बाकी तो इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम,
ये सब संसार को प्रकट करने वाली चीज है। संसार विजिबल होता है इन तत्वों से के मिल जाने से। तत्वों का वर्णन किया है तो इनमें ये जो 24 तत्व हैं ये तीनों गुणों के आधार से ही प्रकट होते हैं। हमारे ये पंच महाभूत जो हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तमोगुण से प्रकट होते हैं। हमारी दसों इंद्रियां रजोगुण से प्रकट होती है। बुद्धि भी मन सतोगुण से प्रकट होता है। इसलिए मन के अंदर कैपेसिटी है भगवान से मिलाने की। मने मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्यों के अंदर बंधन का कारण बनता है, बांधता है हमको इस संसार में। और मन यदि अपने वश में हो, अपनी कहने आज्ञा के अनुसार चले तो ये भगवान से भी मिला सकता है। यदि हमारी इच्छा भगवान से मिलने की हो, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इस संसार के दुख सुखों को त्यागने पर, इच्छाओं को और द्वेषों को त्यागने पर हमको भगवान से मिल सकता है मन। ये सत्वगुण से प्रकट होता है। तो हमारे शरीर के अंदर तीनों गुण विद्यमान हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में जो प्रबल होता है गुण वो अपना अधिकार जमा लेता है, वो राजा बना रहता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि कभी सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण को दबा के प्रबल हो जाता है, यानी इन दोनों पर शासन करता है, तो आदमी की तरक्की होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, फिर हमारी गति ऊंचे लोगों की ओर होती है, नीचे की ओर नहीं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तामस जो है अधोगति को ले जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण प्रबल है, रजोगुण राज कर रहा है आपके शरीर के अंदर मन बुद्धि में, तो आप मध्य में यानी जहां पर हैं, ये मिडिल प्लानिटरी सिस्टम जो है, ये पृथ्वी मिडिल प्लानिटरी सिस्टम मध्य में आती है, 14 भुवनों में 7 भुवन ऊपर है 7 नीचे, ये मिडिल प्लानिटरी सिस्टम में आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी पे बार बार जन्म लेता है, ना नीचे को जाता है ना ऊपर जाता है। यदि रजोगुण में है, रजोगुण शासन कर रहा है, तो मन बुद्धि में शरीर में रजोगुणी कर्म करता है, रजोगुणी बुद्धि है, रजोगुणी मन है, रजोगुणी इंद्रियां हैं, तो रजोगुणी कर्म करता है, रजोगुणी ज्ञान होगा। रजोगुण प्रबल है तो रजोगुण का प्रचार प्रसार होगा। तो भगवान कहते हैं कभी कभी रजोगुण प्रबल बन जाता है और सत्वगुण और तमोगुण को दबा देता है, यह राज करने लगता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कभी कभी सत्वगुण और रजोगुण को भी तमोगुण दबा देता है और तमोगुण राजा बन जाता है शरीर के अंदर। फिर आदमी की बुद्धि भी तमोगुणी होती है, कर्म भी तमोगुणी होती है, मन भी और इंद्रियां भी तमोगुणी होती है। तो तमोगुणी ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके सारे फंक्शन तमोगुण में होंगे। तो ये मत सोचिए कि तमोगुण रजोगुण आपके शरीर से आउट हो जाएंगे, नहीं, वो विद्यमान रहेंगे, लेकिन शासन कौन कर रहा है इन तीनों में से, उसका प्रभाव पूरी तरह रहेगा। तो सतोगुणी अगर शासन कर रहा है आपके शरीर में, तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, तो आपको ऊंची गति में ले जाएगा, आपको लिफ्ट अप करेगा। लेकिन रजोगुण राज कर रहा है तो आपको बार बार ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार किसी न किसी योनि में इस पृथ्वी पर धराधाम पर आना पड़ेगा, जन्म लेने भोगने दुख पाने। तमोगुण राज्य करता है तो भगवान जघन्य गुण वृत्ति स्था, तो ये तमोगुण की वृत्ति जो है जघन्य, इसकी बड़ी पाप कर्म करने की वृत्ति है तमोगुण की। तमोगुण बड़े बड़े पाप करता है, नीच कर्म करता है, बुरे कर्म करता है। तो अधोगच्छन्ति तामसा,
तो ये आपको नीचे नरक लोगों की ओर, नीचे के लोगों की ओर ले जाएगा, जहाँ सड़ा मच रहा है, जहाँ पर जैसे कीड़े मकोड़े कुल बुलाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर प्राणी जो भी होते हैं एक दूसरे के ऊपर। संसार में श्रेष्ठ है सतगुण। सतगुण आपको संतों से मिलाता है, भक्तों से मिलाता है, शुद्ध शास्त्रों की शरण में ले जाता है, भगवान के चरणों की ओर ले जाता है सतगुण। तो ये हमारे वश में है भगवान की कृपा से कि हम सतगुण का राज होने दें हमारे मन बुद्धि के और इंद्रियों के ऊपर, या रजोगुण का या तमोगुण का। इस प्रकार से यदि आप समझ सकते हैं तो ये तमोगुण रजोगुण सतगुण को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर में है, क्योंकि तमोगुण नहीं होगा तो पंच महाभूत जिनसे पूरा ढांचा खड़ा है, बना है, ये कैसे खड़ा रहेगा, फैल जाएगा, ये रहेगा। ये रजोगुण नहीं होगा तो ये इंद्रियां कहां से आएंगी, ये तो रजोगुण से रिसीव हुई, प्राप्त हुई, रजोगुण से बनती है। लेकिन क्या आप इंद्रियों के अपनी और बुद्धि के और मन के मालिक हैं? तो ये सन्यासी होते हैं। ये इनको स्वामी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये प्रयास करते हैं अपने अंडर में मन बुद्धि अहंकार को और इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए। तो प्रयास करते करते एक दिन पूर्ण सफल हो जाते हैं, इनके वश में ये आ जाते हैं मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, तब इनको सफलता मिलती है। इसलिए सन्यासी को समाज का गुरु कहा। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, चतुर्वर्णम ऐसी चार वर्ण आश्रम, ये वेदों में इनका बड़ा विस्तार से वर्णन है। इसमें सन्यासी को श्रेष्ठ कहा क्योंकि सन्यासी सत्वगुण में प्रवेश कर जाता है दीक्षा के दिन ही, और अपनी मन बुद्धि अहंकार से उस परमात्मा की सेवा में लग जाता है, और उस परमात्मा की कृपा से ही सेवा करते करते इसका सारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, इंद्रियों का। तो इनको दमन करने की आवश्यकता नहीं है, इनका प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है इनको। जब ये प्यूरिफाई हो जाती है तो आप जैसे कहेंगे वैसे ही आपके कहे में रहती है, यानी आपके अंडर में रहती है। आप इनके गुलाम नहीं होते इंद्रियों के, फिर इंद्रियां आपके गुलाम होती हैं। आप आत्मा हैं। इंद्रियाणि परायण आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कहा है 43वें श्लोक में, इंद्रियाणि परायण आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु बुद्धिर्यु बुद्धे परतस्तु सह। हे अर्जुन, ये इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि डिसीजन देने वाली है, रजोगुण से राज करती है, मन मंत्री है, बुद्धि राजा है, न्याय करता है, डिसीजन देने वाला, फैसला या निर्णय लेने वाला है। इन बुद्धि से परे तो आत्मा है, और आप तो आत्मा है, आप तो बुद्धि नहीं, मन नहीं, इंद्रियां भी नहीं, ये शरीर नहीं, यू आर नॉट दिस बॉडी। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ बॉडी, ग्रास बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आप ये तीनों ही शरीर नहीं, इन तीनों से परे आप आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है। इसका रियलाइजेशन जिस दिन हो जाता है मनुष्य को, उसी दिन भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है।
आप अंश हैं भगवान के। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। हे अर्जुन, ये अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, ये मेरे अंश हैं। ममेव अंश। ममेव अंश जीव लोके जीव भूतः सनातन। मने षष्ठानि इंद्रियाणि, ये जो छठी इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय हमारी, ये जो छठी इंद्रिय मन, इसको भी इंद्रिय कहके पुकारा है कई स्थानों पर। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, ये प्रकृति की ओर आकर्षित करता है, हमको खींचता है। आइए आइए, जैसे एक गाइड आपको ले जाता है कहीं भी, और आप तो जानते नहीं, परिचय नहीं है आपका, लेकिन गाइड तो सब जानता है उस सिटी के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, तो आपको जगह जगह ले जाते हैं। और आइए देखिए, ये महाराजा प्रताप सिंह और ये लाल किला और ये ताजमहल, ये औरंगजेब ने जिसने बनाया, तो ये सब गाइड का। तो ये मन जो है ये संसार की ओर खींचता है इस आत्मा को, और आत्मा यदि इसके आत्मा बड़ी निर्मल और भोले स्वभाव होती है, परमहंस है, इसके बहकाव में आ जाती है और ये जहां जहां ले जाता है वो पीछे पीछे चलती है। तो आदमी का मन तो जो है फिर मन तो शासन करने लग गया कि यहाँ बैठ जाइए और ये देखो रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, ओहो इसका भोजन तो बहुत प्रसिद्ध, आइए आइए खाइए, और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर विस्की वाइन, ये वो सब ये मन के कर्तव्य हैं। ये गाइड का काम करता है। गाइड अगर आपका आपको भ्रमित करता हुआ लाभ उठा रहा है तो आपको जरूर नुकसान होने वाला है। नहीं, गाय को अपने चंगुल में रखिए, आप अपनी सोच समझ से काम लीजिए कि कहीं मुझे गलत मार्ग तो नहीं दिखा रहा है। मैं पहले ही भगवान से दूर हो गया हूं काफी, कहीं और कहीं दूर तो नहीं ले जा रहा है मुझे। ऐसा होता है कभी कभी, गांव के प्यासे को और बहका करके एक दूसरा व्यक्ति जंगल में ले जाता है जहाँ पानी नहीं है। क्या ही आइए, वहाँ तो समुद्र भरा है, नदियाँ बह रही, और वहाँ कुछ नहीं, डेजर्ट सूखा है। ऐसे ये मन का कर्तव्य है संसार में फंसाना। मने मनुष्यानाम कर्म बंध मोक्षयो, ये मन ही है मनुष्यों के अंदर। मनुष्य शब्द तो मन से बना, मनुजी जो हुए, मनु स्मृति, मनुजी महाराज, वो भी मन से ही बने हैं। उनका नाम मनु पड़ा है कि मन है उनके पास, और मनुष्य शब्द हमारे लिए जो मिला है ये मन के कारण मिला है। माने मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्ष, यही कर्म, कर्मों के बंधन का कारण बन जाता है। हमसे ऐसे ऐसे कर्म करवा लेता है कि हम उन कर्मों का जो प्रतिफल यानी रिएक्शन आता है उसके बंधन में बंधे रहते हैं, जब के फांसों से कभी मुक्ति नहीं हो पाती। लेकिन मोक्ष का भी कारण बन जाता है यदि आपके बस में हो तो बस में कब होगा, जब आप सत्वगुण में स्थिर होंगे। सत्वगुण में कैसे स्थिर होंगे, किस प्रक्रिया से, कैसे सत्वगुण प्रबल हो आपका, राज करें आपके मन पर, मस्तिष्क पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, इसके लिए प्योरिफिकेशन चाहिए। प्योरिफिकेशन जो है पावनता चाहिए, आपकी भावना शुद्ध चाहिए, और भावना शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग है हरि का नाम, यह ध्यान, हरि के चरणों का ध्यान, यह हरि का नाम। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, खलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। चैतन्य महापुरुष जी ने कलि संतरण उपनिषद का ये श्लोक विशेष करके बार बार दोहराया लोगों के बीच में कि हरि का नाम कलयुग है, इसमें ध्यान से सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान होगा नहीं। खान पान बिगड़े हुए हैं, समाज का वातावरण बिगड़ा हुआ है, टीवी टेलीविजन कंप्यूटर टेलीफोन सेलफोन सब आपके बच्चे न जाने क्या क्या डिस्टर्बेंस आपको मिल रहा है, वातावरण क्लाइमेट खराब है। ध्यान करने से आपको सफलता मिलने में बड़ी बाधा उपस्थित हो सकती है। तो बड़े महापुरुषों ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए, हरि का नाम।
हरि का नाम लेते लेते भगवान का कीर्तन करते, कीर्तन है सदा हरि, सदैव हरि का कीर्तन करने से ही हमारा हमारी भावना पवित्रता को प्राप्त हो जाती है। हम प्योर कॉन्शियसनेस जो हमारी वास्तव में ओरिजिनल दशा है हमारी भावना की, वो हमको प्राप्त हो जाती है। हरे का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो, आपका आहार शुद्ध होता है, हमारी पांच ज्ञान इंद्रियों से हम आहार ग्रहण करते हैं, नासिका से सूंघ करके आहार लेते हैं, एनर्जी प्योर, आंखों से देख करके, त्वचा से स्पर्श करके, कानों से सुन करके और रसना से स्वाद लेकर के, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से ये पांच दरवाजे हैं आहार लेने के। तो जानना यह है कि हम कैसा आहार लेते हैं, क्या हमारा आहार शुद्ध है। शास्त्र कहते हैं जो भी शुद्धता से पकाया हुआ भोजन है उस परमेश्वर को पहले अर्पण करना चाहिए और फिर प्रसाद रूप से उसको खाना चाहिए पूरे परिवार को हमको। इससे हमारी मन बुद्धि पवित्र होते हैं, हमारी भावना पवित्र होती है, हमारा सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों से रिसीव किए हुए आहार शुद्ध होने चाहिए, तभी हमारा सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारे मन में, हमारे वश में ये मन बुद्धि अहंकार चित्त के विचार इंद्रियां सब हमारे वश में होती हैं। फिर ये मन कितना ही कहे थोड़ा वाइन का पैग लगा लो, नहीं, पागल तो नहीं हो गया, आप ये कहेंगे इससे मन से और ये मान जाएगा, ओके तो आगे बढ़ो। अच्छा थोड़ा ये देखो क्या आमलेट बन रही है, खुशबू मार रही है, खा ले, अरे बेवकूफ आगे बढ़। शुद्ध भगवान को शाकाहारी भोजन जो शास्त्रों ने संतों ने सैंक्शन किया है वो ही भोजन करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके प्रसाद यानी भगवान की कृपा वो खाना चाहिए, उससे हमारा अंतःकरण हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां जो शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। जो आप इसमें मुख्य रूप से रसना को बतलाया है, रसना हमारी जीभ स्वाद, इसलिए बहुत शास्त्रों में सभी जगह बाइबल हो कुरान हो पुराण हो बोधिसत्व हो महावीर स्वामी हो अहिंसा परमो धर्म, गौतम बुद्ध हो अहिंसा परमो धर्म, भगवान राम हो कृष्ण हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अप्रोच करती हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन हमको चाहिए। जो मेरा भक्त है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम अश्नामी प्रियतात्मना, उसका भक्ति भाव देख करके मैं स्वीकार करता हूं, खाता हूं। पत्र पत्ता गोभी हो, पत्र हो चौड़ चौड़ाई मेथी गाजर पालक पत्रम पुष्पम फलम अन्न चावल गेहूं दाल सब्जियां फल फूल जल। भगवान ने नहीं कहा कि कोको कोला मुझे कोई अर्पण करेगा तो मैं बड़ ले लेता हूँ भाई भक्ति भाव से, या कोई वाइन का पैग या कोई बियर भक्ति भाव से कोई अर्पण करे तो मैं पी लेता हूँ, नहीं भगवान नहीं पीएंगे, वो परमहंस है, परमेश्वर है, परम शुद्ध अवस्था पर सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कॉन्शियस है। अचेतन लोगों का काम है हर कोई हर किसी चीज का भक्षण करना, अपेय को पीना परमेश्वर का काम है। जिन जिनकी परम शुद्ध अवस्था है उनसे आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप बियर परोसें और पी लेंगे,
नहीं, वेद सूत्र है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त के विचारों को एक साथ रख दिया जाता है, तो इसकी समष्टि को, इसके मिक्सर को अंतःकरण कहा है। मन बुद्धि अहंकार चित्त के विचार ये शुद्ध होते हैं। अहंकार तो 24 तत्वों में एक तत्व है, जहां सत्वगुणी अहंकार होता है वो सत्वगुणी कर्म करता है, दान पुण्य करता है, भजन करता है, दूसरों का सबका सम्मान करता है। रजोगुणी अहंकार जहां होता है वो बस एक दूसरे की क्रिटिसिज्म में लगा रहता है, दूसरों का बुराई करना, दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खुद का झंडा लहराना, ये रजोगुण है, राजनीति। तमोगुण, तमोगुणी अहंकार तो किसी को मार देगा, गांव में आग लगा देगा, किसी को जहर दे देगा, बड़ा खतरनाक है, ये तो नरकगामी है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आपकी स्मृति ध्रुव यानी अचल अटल हो जाती है। स्मृति क्या, ये स्मृति नहीं कि मैं 6 वर्ष का था जब क्या करता था, या 12 वर्ष का था जब क्या करता था, या पिछले जन्म में मैं क्या था, ये स्मृति नहीं। स्मृति यहां पर शब्द जो यूज किया जा रहा है वह है कि वो भगवान को, उस सत्य को, उस परम सत्य को कभी नहीं भुलाता, उस सत्य पथ को कभी नहीं त्यागता, उस हरि को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता, किसी भी हालत में, चाहे वो बीमार हो, तकलीफ में हो, या महलों में, राजभोगों में, जहां दासियां चरण दबा रही हैं, सुख आनंद में, उत्सवों में, दावत पार्टियों में, कहीं भी भगवान को नहीं भूलता। ध्रुव अचल अटल स्मृति हो जाती है उसकी, एक पल को भी भगवान को नहीं भूलता। एकमात्र आहार शुद्ध करने से ये स्थिति हो जाती है, हमारी भावना इतनी निर्मल हो जाती है। लेकिन आहार जब बिगड़े हुए होते समाज के अंदर, तब आदमी बड़े उपद्रव करता है। आहार जब बिगड़े हुए होते समाज के अंदर तब युद्ध होते हैं, तोपें चलती हैं, मकान शहर जलते हैं, किडनैपिंग रेपिंग रॉबरी स्टीलिंग लाइन सब कुछ आतंक फैलता है समाज के अंदर आहार बिगड़ जाने से। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। तो जिसको उस हरि की स्मृति, उस सच्चे सच्चे मार्ग की याद सदैव ताजा रहती है, सत्य की शरण में रहता है, सत्यमेव जयते, उसके अंदर ताजगी रहती है, वो किसी का अपराध नहीं करना चाहता, किसी का गला नहीं काटना चाहता, किसी का छीन कर खाना नहीं चाहता, किसी को तकलीफ में तड़पते नहीं देखना चाहता, आहार शुद्धि। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी भावना शुद्ध होती है, और जिसकी भावना शुद्ध हो जाती है वो कभी उस प्रभु को नहीं भूलता, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में।
स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। हमारे मन मस्तिष्क में छह भ्रम की गांठ है, ये पवित्रता आने पर अपने आप खुल जाती है। भ्रम की गांठ, मैं मेरे की, ये मेरा खजाना है, ये मैं हूं, ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, ये भ्रम की गांठ है, ये सब खुल जाती है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु की अवस्था आ जाती है कि मैं उसके दासों का दास हूं, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, नॉट एनी एल्स। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। और जब स्मृति इतनी अचल अटल हो जाती है कि कभी किसी पल में भी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते जाते आते कभी भी उस प्रभु को किसी भी स्थिति में, चाहे महलों में हो या फुटपाथ पे, चाहे शेर खाने के लिए आ रहा हो या कोई हार लेके कोई स्वागत करने आ रहा हो, कभी भी उस प्रभु को किसी भी स्थिति में नहीं बुलाता ये प्राणी, ये जीव आत्मा, तब उसके सारे भ्रम की ग्रंथियां अपने आप खुल जाती, सुलझ जाती है, वही संसार से ही सुलझ जाता है, मुक्त हो जाता है केवल आहार शुद्ध करने से। आहार में, आहार की शुद्धता में इतनी विशेषता है कि हम पवित्र हो जाते हैं। और आप ये भी मानिए कि आदमी की भावना जितनी पवित्र होती है उतना ही वो आनंदमय होता है, और जितनी गंदी भावना होती है उतना ही निरानंदमय होता है, ये कभी नहीं भूलना। जब किसी को आप दुखों में तकलीफों में पाए तो जरूर जानना कि कोई पाप कर्म का फल उदय हुआ है, और जब किसी को सच्चे आनंद में पाए तो समझना कि कोई बड़े पुण्य उदय हुए हैं इस व्यक्ति के, सच्चे सुख में, एक फाल्स सुख नहीं, कोई आइसक्रीम खा रहा है या लंबी कार में घूम रहा है या लोग उसकी चमचे लोग वाह वाह कर रहे हैं, बड़े बड़े हार पहना रहे हैं, 100-100 के 500-500 के नोटों के, ना ना, ये सुख की बात नहीं है, रियल आनंद, सच्चा सुख, सच्चा सुख पवित्र भावना में होता है। पवित्र भावना के साथ ही परमात्मा होते हैं, परमात्मा बात करते हैं, ही टॉक्स विद हिज डिवोटी, प्योर डिवोटी। आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथिनां विप्रमोक्षा। तो ये गांठ ही तो है भ्रम की जो हमको बंधन में डाले हुए हैं, ये गांठ ही जब खुल जाए तार भी तो मुक्त हो जाता है। तो विप्रमोक्षा, विप्र यानी पवित्र, आत्मा की मोक्ष हो जाती है, पवित्र भावना वाले की मुक्ति हो जाती है, वो वैकुंठ का वासी बन जाता है, इटर्निटी को प्राप्त कर लेता है, उस परमेश्वर के चरणों में चला जाता है। ये रहस्य आहार का, केवल आहार शुद्ध करने से। तो ये तो शुद्ध सत्व में पहुंच गया ये प्राणी, लेकिन प्रारंभ होगा सत्वगुण से, सत्वगुण की भी अभिलाषा नहीं है हमारी कि हमारा सत्वगुण हमारे इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर शासन करे। अगर अभिलाषा है कि रजोगुण ही कायम रहे हमारे अंदर, रजोगुण ही राज करे, तो फिर तो हार ही हार है, दुख ही दुख है। रजोगुणी को सुख नहीं कहा भागवत गीता में कहीं, कोई शास्त्र में, रजोगुणी कभी सुखी नहीं होता। रजोगुणी रजोगुणी आहार लेगा और वो दुखों का कारण बनेगा, सत्वगुणी आहार लेने वाला सुखों का कारण अधिकारी बनता है। आहार पांच ज्ञान इंद्रियों से रिसीव करते हैं, उसमें रसना को, स्वाद को प्राथमिकता दी गई है। स्वाद हमारा जो लेते हैं ये क्या शुद्ध है?
ये क्या वास्तव में नेचर के द्वारा सैंक्शन भोजन हम लेते हैं? तो आप ठीक है, आप सही मार्ग पर, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। उदाहरण देता हूं, जैसे हाथी है या गाय भैंस है, बकरी है, ऊंट है, इनको प्रकृति ने सैंक्शन किया है घास खाना, और इनमें भी इनकी विश अलग अलग घास है। बकरी की घास, बकरी अपनी घास को सेलेक्ट करती है, भैंस गायों की नहीं खाती, ऊंट अपनी ही, चाहे बमूल के कांटों से पत्ते खाता हो, लेकिन वो उसका अलग घास है। भैंस का, हाथी का, हिरणों का अलग अलग, इनके सेलेक्टेड सैंक्शनड बाय नेचर फूड है। सिंह का है, चीते का है, टाइगर का है, कुत्ते बिल्लियों का है, इनको भी, जैसे बिल्ली को चूहा सबसे श्रेष्ठ लगता है, लेकिन कुत्ते को पसंद नहीं, कुत्ते का भोजन हो। बल्चर का अलग है, बल्चर कोई भी सड़े गड़े को, सबको खाने को तैयार, शेर नहीं खाएगा सड़े गड़े, शेर को ताजा मांस चाहिए। तो उस प्रकृति ने, शास्त्र इसका, शास्त्रों में इंजंक्शन है कि मनुष्य का भोजन शुद्ध शाकाहार है। इस शाकाहार से ही इसको शुद्ध बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो सकती है, श्रेष्ठ मन और आनंद प्राप्त हो सकता है, श्रेष्ठ विचार आ सकते हैं, और इसकी आयु सुखपूर्वक लंबी हो सकती है, हजार वर्ष की, हजार हजार वर्ष की आयु जीने वाले तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने अपने आहार को रिफाइंड किया है, डे बाई डे अन्न को त्याग दिया, फलों पे चले गए, फलों को त्याग दिया, दूध पे चले गए, दूध को त्याग दिया, पानी पे चले गए, पानी को भी त्याग दिया, हवा पे चले गए, तो क्यों नहीं हजारों वर्ष जिंदा रहेंगे? आहार क्यों? शाकाहारी व्यक्ति निरोगी होता है, रोग नहीं होता। मनुष्य का भोजन तो शाकाहार है, फिर अपनी मनमानी ढंग से चाहे कुछ भी खाए, खा रहा है, समाज में वही फैला हुआ है सब जगह। 84 लाख योनियों में कोई भी जानवर नहीं है जो मनुष्य ने नहीं खाया हो इस धरती पर। तो फिर ये शरीर क्या है? आहार का ही तो रूप है। जो जो आहार हमने किए हैं, पैदा हुए, माँ का दूध पिया, जो भी खाया पिया, उसका ये डेवलपमेंट है। ये जो 6 फुट का गुब्बारा बना है, ये आहार से ही बना है, करेक्ट? और इस आहार का जब और अर्क निकला, तो उससे ही हमारा मन और बुद्धि डेवलप होती है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसी बुद्धि, गुरु नानक देव बोलते हैं, सारे शास्त्र। आप अनुभव कीजिए, आपका अनुभवी यही बोलेगा। आपकी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब क्या है? आपके विचार है, ये सब आहार है। जो आहार का जो असली अर्क है, वो आपका मन है, बुद्धि है, विचार है, तरंग है। आहार को शुद्ध कीजिए। आहार शुद्धि कितनी सुंदर, कितनी रिसर्च है, कितनी बड़ी देन है हमको परमात्मा की। आहार शुद्धि सत्व शुद्ध, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। तो आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी। ये सारा गेम, सारा खेल भावना को शुद्ध करने के लिए है। ये जितने भी शास्त्र, पीर पैगंबर आते हैं, उपदेश करते हैं, संत महात्मा, ये आपकी भावना को शुद्ध करने के लिए। तो भावना को शुद्ध करने के लिए और इस शुद्ध मार्ग पर जाने के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान का बन के रहना चाहिए। दासान दासान दास,
चैतन्य महापुरुष से पूछते थे जब भी वो इधर से उधर जाते थे यात्रा में, तो कोई पूछते थे आप कौन है, तो वो कहते मैं दासानु दासानु दास, मैं उस परमेश्वर के दासों का दास हूं, यही मेरी जान पहचान है और तो कुछ। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण का दास बन के रहना है, ये यही परिचय है हमारा। लेकिन हम अहम में भर जाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम पुलिस कमिश्नर हैं, हम मिलिट्री हैं, हम नगर सेठ हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भारत के हैं, नहीं, ये तो फाल्स आईडी है। रियल आईडी है आप भगवान के एक अंश हैं। ममे वांशो, उन्होंने भगवान ने खुद बोला, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मने सष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। ये मन जो छठी इंद्रिय है, ये प्रकृति की ओर दिन प्रतिदिन खींचता है आदमी को, काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच इनमें फंसाता है, और जब फंसते चले जाते हैं जब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई मार्ग नजर नहीं आता। रजोगुणी को भी धुंधला दिखता है, तमोगुणी तो अंध में, तम नाम ही अंधकार का है, वो तो अंधकार में भटकता है, वो तो अंधकार में जीवन जीना चाहता है, अंधकार में भटकता है। लेकिन कोई जीसस जैसे, महाप्रभु जैसे, श्री प्रभुपाद जैसे, बल्लभाचार्य जैसे, महान संत गुरु नानक जैसे, कबीर रविदास जैसे, मीरा सहजो कर्मा दयाबाई, महान संतों का संगत मिल जाए किसी भाग्यशाली को तो अंधेरे से निकल सकता है, उजाले में आ सकता है। भगवान ने तो कहा अति दुराचारी भी मेरी शरण ले तो वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, कोई वैश्या भी मेरी शरण ले वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, बेविचारणी औरत, कोई बहुत खोटी बुद्धि का हो वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, गीता में कहा है। तो अंधकार से मैं उजाले में आया जा सकता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये तो वेदों के वाक्य है कि हे प्रभु मुझे अंधकार से उजाले में लाओ, कुछ ऐसी जिज्ञासा जगे उस अंध में जीवन जीने वाले के हृदय में तो उजाले में आ सकता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, कोई उसके शुद्ध भक्त को उसके संपर्क में भेज देते हैं जो उसका उसे प्रकाश दिखा सके, ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश, भक्ति का प्रकाश। तो ये मन बुद्धि और इंद्रियां जो हमारे शरीर में ये मंडल है इनका, ये तो एक तरह से नाटक मंडली है, रियल में ये नाटक करते हैं हमारी इंद्रियां मन बुद्धि, इन नाटककारों के डायरेक्टर बन के आप रहेंगे तो आपकी विजय होगी, और आप भी इनके साथ साथ मिल जाएंगे, या इनमें से कोई डायरेक्टर बनेगा तो आपको तो आपका ये कोई नेतृत्व करेगा, मन करे या बुद्धि करे या कोई इंद्रियां आपके आपका डायरेक्शन आपको नेतृत्व करे, तो ये आपको गलत जगह पर ले जाएंगे, नहीं आप डायरेक्टर बन के रहिए, आप इनके संचालक बन के रहिए, आप इनको चलाइए, अपने कंट्रोल में रखिए। एक डायरेक्टर के अंदर में कैसे एक्टर्स हीरो हीरोइन स्टंट सभी उसके अंडर में होते हैं, उसके वश में होते हैं, वो जब तक एक्शन नहीं बोले कोई एक्शन नहीं कर सकता, एक्शन एक्शन करते हैं उससे पहले नहीं, डायरेक्ट बोलता था। और कोई हीरो गलत करता है तो उसको स्टॉप स्टॉप स्टॉप, व्हाट आर यू नॉनसेंस, ऐसे मन को दौड़ेगा, रोकिए आप डायरेक्ट, बुद्धि गलत विचार लेगी, गलत डिसीजन लेगी, इसको जांचिए कि क्या ये सब सही विचार
सही डिसीजन ले रही है, यू नो एवरीथिंग। लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि कुछ बोलो आप लोगों। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे सह आत्मा, वह आत्मा। तो हम आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी, नीदर ग्रास बॉडी नॉर सटल बॉडी नॉर कॉजल बॉडी, वी आर, वी ऑल आर स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। यू मे कॉल कृष्णा, यू मे कॉल गोविंदा, यू मे कॉल अल्लाह, यू मे कॉल वॉट एवर, एको बहु नाम, उन एक को ही बहुत नामों से जाना है। कोई भी नाम पुकारिए, इसमें जलस कैसी, इसमें एक दूसरे के ऊपर क्रोध कैसा कि मैं तो अल्लाह बोलता हूं, ये अल्लाह क्यों नहीं बोलता, ये राम क्यों बोलता है, ये जीसस क्यों बोलता है, ये बुद्ध क्यों बोलता है। उस एक का ही नाम है, एक ही प्रभु का, एको बहु नाम, वो एक ही अनेकों अनंत पृथ्वियों पर अनंत भाषाओं में अनंत भक्तों ने अनंत नामों से उस एक को ही तो पुकारा है। मस्जिद में जो घुटने टेक के नमाज पढ़ता है आदमी, वो उस एक को ही तो पढ़ता है, चाहे वो अल्लाह कह के पढ़े, रहमान कह के पढ़े, रहीम कह के पढ़े, उसको प्रणाम कर रहा है, चाहे वो कैसा भी है, बुरा है भला है कैसा भी है, उसको प्रणाम कर रहा है। और उस वो जो मस्जिद है वो उसी का घर है, और वो मंदिर है वो उसी का घर है, और वो चर्च है वो उसी एक का घर है, और वो मोनेस्ट्री है वो एक का ही घर है। लेकिन नहीं, रजोगुण अपने पद पावर पाने के लिए इन पर भी हमले करता है, आक्रमण करता है, तोड़ फोड़ करता है, फूट मराता है एक दूसरे को, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को। नहीं पड़ गया था हिटलर पीछे ज्यूस के? सुना है कि 10 मिलियन ज्यूस खत्म किए थे। तो ऐसे क्या नाराजगी, और ऐसा क्यों होता है? कुबुद्धि के कारण। तो अपनी ये बुद्धि को, सुबुद्धि है या कुबुद्धि है, ये मन को, इंद्रियों को अपने वश में करके रखना चाहिए। इसलिए सन्यासी प्रयास करता है और एक दिन सफल होता है, इसलिए सन्यासी को स्वामी कहते हैं। वो स्वामी ब्रह्मांडों का स्वामी नहीं है, नहीं, वो अपनी इंद्रियों का, अपने मन का स्वामित्व करता है, उनको कंट्रोल करता है। ही इज नॉट द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सेस, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज सेंसेस, हिज माइंड। भगवान कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसलिए इनको कंट्रोल करके, हे महाबाहो अर्जुन, जहि शत्रु, ये काम रूप शत्रु को विजय करो, ये काम लस्ट, संसार को भोगने की बड़ी बड़ी अभिलाषाएं, ये काम वासनाएं, इनको, इन पर विजय करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करो इनको कंट्रोल करने का, इनको संयमित करने का, इनको वश में करने का, सने सने अभ्यास योग। अभ्यास करने से अर्जुन छोटा था, 10 वर्ष का बालक था, सब विद्यार्थी सोए हुए थे गुरु आश्रम, द्रोणाचार्य जी के आश्रम। अर्जुन
पीछे को जाकर के दीवार के ऊपर जो निशाना बनाने वाला गोला बना हुआ था रंग से, अंधेरी रात में अभ्यास करता था निशाना बनाने का, तीर मारने का। लघु शंका को द्रोणाचार्य उठे, पीछे को गए तो देखा कि ये कौन अर्जुन। बोला हाँ गुरुदेव, तुम यहां क्या कर रहे हो रात के अंदर इस अंधकार में? अभ्यास गुरुदेव, अभ्यास। वो अर्जुन पृथ्वी का माना हुआ धनुर्धर बनी, अभ्यास से सब कुछ होता है। शनै शनै पिपील का सौ योजन गता, धीरे धीरे एक चींटी भी, एक चींटी कितनी सी होती है, वो सौ योजन, सौ योजन का मतलब है 1200 किलोमीटर चली जाती है, शायद उससे भी ज्यादा। अभ्यास करने से आपको सब कुछ मिलेगा, ये मन भी वश में हो जाएगा, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, और आपके अंदर पावनता प्रकट होगी, और पावनता में भगवान पधारते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विधेयनम इहि वैरिणम। ये काम जो है कभी पूरा नहीं होता, काम कभी तृप्त नहीं होता। जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, जलाई जाती है एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर तीसरा, कैलिफोर्निया में आग लग जाती है, जंगलों में हजारों माइल का एरिया जलाती चली जाती है, और इतना कंट्रोल करते हैं, इतना फायर वाले फायरमैन उसको कंट्रोल में लाते हैं, बुझाते हैं, फिर भी जलाई जाती है, कभी अघाती नहीं, धापती नहीं। भगवान करें कि ये महाशन, ये कभी कभी अघाता नहीं है, ये काम वासना कभी तृप्त नहीं होता। करोड़ों हो गए, 10 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए, एक छोटे से प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति को गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, बड़ा अफसर बन गया, वो अफसर का पद भी छोड़ के और अब वो एक राज्य का राजा बनने के लिए दौड़ा, बन गया, उस पर भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसको भी त्याग दिया, अभी वो देश का राजा बनना चाहता है, उसके लिए दौड़ रहा है। देश का राजा जिस दिन बन जाएगा, उस दिन न जाने आगे क्या, ये तूफान कभी कम नहीं होते, ये काम वासना है, लस्ट, अटैचमेंट, मोह, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, सुंदर नारियां पाने के लिए, धन वैभव पाने के लिए, ये लस्ट कभी पूरी नहीं होती अर्जुन। कामेश क्रोधेश रजोगुण, ये रजोगुण से प्रकट होती है काम वासनाएं, क्रोध वासनाएं, क्रोध की लपटें उठती हैं रजोगुण के अंदर, तभी तो लोग न जाने क्या क्या करवा देते अपने विपक्षी के साथ। क्रोध की लपटें उठती हैं, पूरी पृथ्वी को शासित करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए आदमी अग्रसर होता है, सफलता रहे सफलता तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हाथ में दिए हैं भगवान, क्षण मिनट फ्रीडम दी है। रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, महापाप करवाने वाला ये काम लस्ट। महापाप करवाने वाला, फिर उसका फल कौन भोगेगा भैया? जब महापापों में उतार देगा तो फल तो उस महापाप करने वाले को मिलेगा ही, तो ऐसी गति क्यों चाहते हो जो महापापों का फल आपको मिले?
सड़ो नरक में जाओ, लोग थूके, ऐसी जगह क्यों जाते हो, ऐसी लष्ट किस काम की। विद्येनम इहि वैरिणम, इस वैरी काम को, इस विषय में प्रमुख ज्ञान, किस विषय में, अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से कि आदमी नहीं चाहता कि मैं बुरा काम करूं, पाप कर्म करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं पापों में उतरूं, डाकू बनूं, चोर बनूं, रेपिस्ट बनूं, टेरर फैलाऊं, लेकिन ऐसे पापों में उतर जाता है जैसे कोई इसको धक्का मार रहा हो कि करो बेटे आगे बढ़ो, इसका क्या कारण है। तो भगवान ने जवाब दिया है कामेश, ये काम इसका कारण है, काम ही क्रोध का कारण बनता है। काम जब कोई दूसरे के विपक्षी के कारण फेल हो गया है, काम वासनाएं आपकी जागृत हुई हो और कोई विपक्षी के कारण फेल हो गया है तो क्रोध उत्पन्न होता है, ये सफल हो गया है तो लोभ उत्पन्न होता है, और अपने ही कारण फेल हो जाए, अपने ही कारण फेल हो जाए तब भी मनुष्य की गति ठीक नहीं होती है, तब ये आदमी पागल हो जाता है। लस्ट कामवास अभिलाषाएं बड़ी बड़ी संसार को भोगने की, जब ये विपक्षी के कारण फेल हो जाए तो क्रोध उठता है, उस क्रोध में आदमी पता नहीं क्या क्या कर देता है, और यदि सफल हो गया उस अभिलाषा को पूर्ण करने में तो लोभ उत्पन्न होता है। और अपने कारण ही फेल हो जाए, कोई अपनी वीकनेस के कारण सफलता नहीं मिले तो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। कामेश क्रोध एश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्य एनम इह वैरिणम, ये काम सब प्रकार के काम वासनाएं सब प्रकार के पाप करवाता है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को 18वें अध्याय में विशेष करके प्रारंभ में और तीनों गुणों के विषय में बतलाया, कर्ता रजोगुण में हो, सत्वगुण में हो, तमोगुण में हो, कैसे होते ये परिचय दिया सब, कर्म भी ज्ञान भी दान भी यज्ञ भी तप भी, ये सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी तप भी। तो यदि हम इन तीनों गुणों का खेल समझ जाएं, क्योंकि तीनों गुणों का एक गेम है, इसी से समाज पूरा संसार यदि तमोगुण में जा रहा है तो अवश्य नौका डूब रही है, रजोगुण में है तो कम से कम बार बार ये दराधाम बना रहता है और लोग इस पर बार बार जन्म लेते हैं, फिर तकलीफें उठाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, कभी मनुष्यों में कभी बंदर गधे घोड़े के रूप में होते हैं, जन्म लेते हैं। सत्वगुण में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी लोग तमोगुण में रहने वाले लोग जिनके मन मस्तिष्क इंद्रियों के ऊपर तमोगुण सवार है, तमोगुण प्रबल है, तमोगुण राज्य करता है, वो नरक में जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, नीची गति को प्राप्त होते हैं, दुखों को प्राप्त होते हैं, कष्ट भोगते हैं। रजोगुण मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, ये मध्यम है ये पृथ्वी पर, ऊर्ध्वम ऊपर की गति को जाने वाला सत्वगुणी पुरुष होता है, और सत्वगुणी वो आखिरी सीढ़ी है
जहाँ से छलांग लगा सकते हैं हम इटर्निटी को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, उनके धाम पाने के लिए। सतगुण अंतिम सिद्धि है, तो सतगुण उस अंतिम सिद्धि पर चढ़िए। इसमें आपकी बुद्धिमानी है, इसमें आपके जीवन की सफलता है। सतगुण को राज करने दीजिए, ये आखिरी सिद्धि है इस संसार में। यहां से छलांग लग सकती है, रजोगुण से नहीं, तमोगुण से तो बिल्कुल ही नहीं, रजोगुण से भी नहीं, सतगुण से। एकमात्र सतगुण से आप शुद्ध सत्व में जा सकते हैं, इटर्निटी को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इटर्नल बॉडी की प्राप्ति आपको हो सकती है। ये मेटेरियल बॉडी कुछ दिन के लिए है, टेम्परेरी। इसके सजाए ख्वाब भी कुछ दिन के लिए हैं। ताशों के महल, ताश के पत्तों का जैसे बच्चे महल बनाते हैं, हवा चली थोड़ा झोंका आया गिर जाता है। तो आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफाई करने को, आपकी कॉन्शियसनेस को पवित्र बनाने के लिए, पावन करने के लिए क्या उपाय है? हरि का नाम। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, एकमात्र हरि का नाम। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, केवल एक। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस श्लोक को बार 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 और लोगों के सामने उच्चारण किया। एक दिन नित्यानंद महाराज उनके साथ में बैठे थे, पूछते हैं कि आप ये तीन तीन बार क्यों दोहराते हैं एक एक बात को, हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जड़मति बुझाई ने, अरे मूर्खों को समझाने के लिए एक ही बात को तीन बार बोलना पड़ता है, करूं क्या, इसलिए तीन बार बोलता हूं। हरि का नाम आपको पवित्र कर देगा और परमानंद की ओर ले जाएगा। इसलिए हरि के नाम का, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद हो, चाहे मोहम्मद पीर हो, चाहे कोई और पैगंबर हो, चाहे लॉर्ड जीसस हो, या गौतम बुद्ध हो, या महावीर हो, या मीराबाई हो, या सूरदास खान हो, या कबीर रवि हो, सब आपको यही कहेंगे कि हरि का नाम, हरि का नाम लो, उसका कीर्तन करो, सदैव कीर्तन है, सदैव हरि का कीर्तन करो, कीर्ति का गान करो कि वाह मेरे प्रभु, ये सुंदर रचना, ये सुंदर फूल, ये सुंदर तितलियां, ये कोयल, ये सुंदर बच्चे, ये गायों के बछड़े उछलते हुए दूध देती हुई गाय, ये सुंदर हरियाली, बाग वन, चांद तारे सितारे, हमको कितना आनंद में आपने अपनी गोदी में उठा के रखा है, और उसी प्रकार से जीवन जियो, उनके उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हुए, उस परमेश्वर की कीर्ति का गान करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो श्री कृष्णा गाओ श्री कृष्णा लाओ श्री कृष्णा तो नाम रे, जो कोई श्री कृष्णा बोले वो है मेरे प्राण रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय भक्ति पा जय जय भक्ति पा, जय भक्ति पा जय जय भक्ति पा, जय प्रभु पा जय जय प्रभु पा, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गोपाल। तो ठीक है, आज की सभा के लिए यहीं विसर्जित करते हैं और विराम देते हैं, और अगली सत्संग सभा में आप सबको आमंत्रित करता हूँ। जरूर पधारना, स्थान तिथि सूचित की जाएगी। जय गोपाल। मुझे आज्ञा दीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी।